जम्मू कश्मीर में भी अब बुलडोजर को लेकर योगी मॉडल शुरू होने वाला है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों बदमाशों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू किया। अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी कह रहे हैं कि जो आतंकियों की मदद करता है, उनको शरण देता है, उसके घरों को जमींदोज किया जाएगा। क्योंकि अब बहुत हो गया, आतंकियों और उसके प्रति सहानुभूति रखने वालों के खिलाफ अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। योगी का बुलडोजर अब जम्मू कश्मीर में चलने वाला है। यूपी समेत कई राज्यों में अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन हिट, अब आतंकियों के पनाहगारों पर बुलडोजर का टारगेट। जम्मू कश्मीर में सेना आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। हालांकि सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद आतंकवाद जड़ से खत्म नहीं हो रहा। इसकी बड़ी वजह आतंकियों से सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, जो आतंकियों को अपने घरों में शरण देते हैं, उन्हें छिपाते हैं। लेकिन अब उनको जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीधी सीधी चेतावनी दे दी है। अगर कोई आतंकवाद को टक्कर देगा तो उसका घर जमींदोज किया जाएगा, ये मैं खुल के कहना चाहता हूं। इसमें कोई समझौता नहीं है। उपराज्यपाल का संदेश साफ है, सुधर जाओ नहीं तो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि उपराज्यपाल के बयान पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। उससे शायद बुलचुक से ये बात उसने कही है, उसके अख्तियार में ही नहीं है किसी को जमीन बर्द करना। अलबत्ता जहां मिलिटेंटों का ताल्लुक है उनके लिए पुलिस सीआरपीएफ और फौज लगी हुई है। 10 साल के बाद हमें हुकूक दिए गए, असेंबली नहीं बनी, तो अब असेंबली के डोमेन में रखना चाहिए कि वो लोग गवर्नमेंट कैसे चाहती है, कैसे बिहेव करेगी, इन एस्पेक्ट्स के साथ गवर्नमेंट तक छोड़ना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर को मानना चाहिए कि इलेक्टेड गवर्नमेंट अब जम्मू कश्मीर में है, वही फैसले करे तो अच्छा रहेगा। उपराज्यपाल के मुताबिक अब तक आतंकियों ने 40,000 से 50,000 लोगों की जान ले ली। आतंकियों को पनाह देने वाले निर्दोष कैसे हो सकते हैं? ऐसे में अगर उन पर बुलडोजर वाली कार्रवाई होती है तो इससे एक कड़ा संदेश तो जरूर जाएगा। जम्मू से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।